बच्चों की जो रैंक है, पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चे के अगर पोजीशन थी जैसे कि ड्यूअल डिग्री के अंदर एटलीस्ट 320, और अब अगर मैं बात करूं तो अब जो पोजीशन चल रही है वो ड्यूअल डिग्री के अंदर एटलीस्ट 299 पोजीशन चल रही है। ओके, तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट 20 रैंक का चेंजेस आया ड्यूअल डिग्री के अंदर। वैसे अगर मैं बात करूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, ओके, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बच्चे के अभी चल रही है 360, और अगर मैं पहले अगर मैं बात करूँ तो बच्चे के एरोस्पेस की थी एटलीस्ट 409 रैंक। ओके, तो आप देख सकते हो यार ड्यूअल डिग्री के एरोस्पेस में भी बहुत कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, और भैया जस्ट जो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ इसके अभी पोजीशन चल रही है जो कि 200 प्लस पोजीशन है, यानी कि 250 मान सकते हो, बहुत सारे बच्चों के 300 पोजीशन भी चल रही है, बहुत सारे बच्चों के 400 पोजीशन भी चल रही है, तो क्या भैया वो हम मान सकते हैं एक्सेप्टेड कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल? ठीक है, तो यार इसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ अपन चर्चा करते हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चों की यही क्वारी थी, भैया मेरी रैंक ये चल रही है, वेटिंग में 400 चल रही है, वेटिंग में 500 चल रही है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो यही क्वारी थी। ओके, तो अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ जनरली, तो यार स्पोर्ट राउंड की जो रैंकिंग होती है वो मेजरली जो है दिखाई नहीं जाती है आपको, जो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे स्टेटिक वगैरह में चेक करते हो, तो यहाँ पे ये लोग स्पोर्ट राउंड की जो भी कट ऑफ होती है वो शो नहीं करते कि स्पोर्ट राउंड में कितना मिला था। जो भी 17वें राउंड तक मिलेगा उसके बारे में ही ये लोग बताएंगे कि इस रैंक तक मिला है, स्पोर्ट राउंड को कंसिडर नहीं किया जाता। मेजरली अगर अपन बात करें तो देख सकते हो आप एटलीस्ट 850 850 तक गया है पिछले साल 2020 का कट ऑफ। ओके, जो जेईई एडवांस के बेसिस पे बता रहा हूँ, IIST रैंक। ओके, और अगर मैं बात करूँ फिर जस्ट जो बच्चे इलिजिबल है, जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो यार जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने एडमिशन ले लिया जिनकी चांसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो यार जिन बच्चों की रैंक 800 850 900 तक है उसको तो एटलीस्ट 70वें राउंड तक मिल जाएगा, और जो बच्चे भी एटलीस्ट 50 60 100 तक वेटिंग में चल रहे हैं वो स्पोर्ट राउंड के अंदर मान सकते हैं कि उनको मिल जाएगा। ओके, स्पोर्ट राउंड में अगर मैं बात करूं भैया तो स्पोर्ट राउंड के अंदर जा सकता है आपका रैंक 1300 1400 तक, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है 1500 1600 तक, ठीक है, एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट गारंटी। ओके, हो सकता है 900 पे भी अटक जाए, हो सकता है 1900 भी चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेप्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 1300 1400 तक मान सकते हो, ठीक है। और यार अपना एक कॉलेज सिक्योर करके जरूर रखे, अगर मैं बात करूँ तो आज 24 नवंबर हो चुका है, जिन बच्चों को जोसा वगैरह में मिल चुका है कुछ, क्योंकि जो IIST में ऐसे तो बच्चे पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, ठीक है, उनके जेई के अंदर अच्छा परसेंटाइल होगा इसलिए जो है एटलीस्ट जेई एडवांस में अच्छे मार्क्स हैं, तो जस्ट यार अगर तुमको जोसा वगैरह में कुछ अच्छा मिला हुआ है या फिर जस्ट CSEB में भी टारगेट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मेजरली मेरे पास ये आ रहा था कि भैया हमको जो है जोसा में सीट मिल चुकी है, हमने फीस पे कर दी है 35,000 40,000, ओके, कि तो क्या हम CSEB में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हमें सीट मिलती है और जस्ट हम वो सीट नहीं लेना चाहते, ओके, या फिर हमें सीट जो जाहिर सी बात है CSEB में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो सीट तो मिलेगी, क्योंकि जेई एडवांस में IIST में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको मिनिमम नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी मतलब मिल 100% मिलेगा कुछ ना कुछ, चाहे वो केमिकली मिले लेकिन हाँ मिल जरूर जाएगा, ठीक है, तो क्या हमें ये फीस वापस रिफंड होगा अगर हम फर्स्ट के अंदर ही सीट कैंसिल कर देते हैं तो? और जस्ट जोसा वगैरह की भी बहुत सारे बच्चों की यही क्वारी थी कि भैया हमको सीट मिल चुका है, IIST में अगर हमको मिल जाता है, ठीक है, जो स्पोर्ट राउंड एटलीस्ट 2 तारीख को आ रहा सही, तो जो है CSEB का फर्स्ट राउंड तो आ जाएगा 2 तारीख तक, तो कि वो हमारी जो सीट है अगर हम विड्रॉ कर देते हैं तो सेकेंड राउंड में इसकी फिलिंग हो जाएगी, तो क्या हमें रिफंड मिलेगा?
तो यार ये एक मेजरली क्वेश्चन था, और आप जिस चीज के बारे में टॉप रिसर्चर्स या वेबसाइट पे देख सकते हो इसके बारे में। ओके, जस्ट मेरे को इसका उतना नॉलेज है नहीं, आईएएस ठीक है, सॉरी जोसा का ठीक है, कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया, लेकिन इसके बारे में कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई ठीक है। तो मैं जस्ट बोल नहीं सकता इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि जस्ट बहुत सारे बच्चों डिपेंडेंट रहते हैं यूट्यूब पे, और अगर कुछ मतलब गलत हो गया तो आई थिंक तुम्हारे 50-60 हजार हो जाएंगे खराब ठीक है। तो यार इसके लिए जस्ट कोई मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कल्यू कि आई थिंक वैसे तो मिलना चाहिए रिफंड, लेकिन आप जस्ट इसके बारे में कंफर्म कर सकते हो, जो भी काउंसलिंग करते हैं बहुत सालों से कर रहे हैं। और हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो यार, वेबसाइट पे मैंने बहुत चेक किया लेकिन इसका कोई क्ल्यू नहीं मिला वैसे ठीक है। तो आई थिंक रिफंड अवेलेबल है वैसे तो ठीक है, तो जैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और जिन बच्चों की वेटिंग लिस्ट 100-150 तक चल रही है वो स्पोर्ट राउंड के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये भैया स्पोर्ट राउंड पे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो यार इसके अंदर आपको से कोई फीस नहीं ली जाएगी, जो और स्पोर्ट राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो बच्चे ऑलरेडी IAST के लिए रजिस्टर किए हुए हैं। न्यू बच्चे आई थिंक रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अब वो देखते हैं जो है स्पोर्ट राउंड की गाइडलाइन अलग से IAST रिलीज करता है ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स थे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए, तो हो सकता है जो है फिर से सभी के लिए ओपन कर दे, या फिर जो रजिस्टर्ड है उसके लिए ही ओपन करे। ये डिपेंड करता है कि IAST के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वारी कर रहे थे कि भैया क्या स्पोर्ट राउंड 1-1 घंटे का होगा, 1 घंटे तक फीस जमा करनी है, देन उसके बाद स्पोर्ट राउंड होगा, फिर स्पोर्ट राउंड की लिस्ट आएगी। तो यार ऐसा नहीं होता। ओके, और वो भी हो सकता है ठीक है, जो डिपेंड करता है उसकी गाइडलाइन के अनुसार उसका इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा कि आपको कब अलॉटमेंट जारी होगा, कितने बजे तक, कितने टाइम, कितने मिनट पर, कितने घंटे में आपको फीस पे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको कैटेगरी जनरल कंसिडर की जाएगी, ओपन काउंसलिंग होगी ठीक है, जो भी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ये जो भी होता है सारा सब कुछ IAST एक ब्रोशर रिलीज करेगा, स्पोर्ट राउंड के जनरल इंस्ट्रक्शन रिलीज करेगा। ओके, तो उसके बेसिस पे ही कुछ हो सकता है, इसे जनरली हम कुछ भी नहीं बोल सकते ठीक है। हाँ, पिछले साल का आप देख सकते हो, सेम टू सेम उसी बेसिस पे होगा वैसे ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।